आज इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल ऑमलेट की रेसिपी, सब्जियों से भरा लेकिन इतना टेस्टी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें इतनी सारी सब्जियां हैं। इसे बनाने के लिए एक बोल में ले 3/4 कप बेसन। बेसन में हमें डालनी है सूजी, यहाँ पर मेरे पास 1/2 कप सूजी है, उपमा जिससे बनाते हैं वो वाली बारीक वाली। इसमें डालें टेस्ट के हिसाब से नमक। जब बैटर बन जाएगा तब आप टेस्ट करके उस समय भी नमक अगर और आपको डालना है तो डाल सकते हैं। सारी सूखी चीजों को अच्छे से मिलाएं, उसके बाद पानी डालकर एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएं। इस समय भी आपको लग रहा है कि थोड़ा और पानी डालना चाहिए पर आप श्योर नहीं है तो थोड़ा रुक जाएं। सब्जियां डालने के बाद आपको लगता है जरूरत है तो आप बाद में थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। बैटर काफी अच्छा गाढ़ा हो गया है लेकिन सूजी है, अपने आप में फूलेगी, मतलब पूरे पानी में फूलेगी, तो जरूरी है कि आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए आराम करने के लिए रख दें। तब तक देखते हैं सब्जियां जो हमें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप गाजर बारीक कटी हुई, 1 छोटे साइज का टमाटर, सारी सब्जियां बारीक कटी हुई है यहाँ पर, प्याज है छोटे साइज का, 1/2 कप बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न से ना बहुत अच्छा एकदम धमाका हो जाता है खाते समय, तो जरूर डालें अगर आपके पास है। शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, इन सारी सब्जियों को हम यूज करेंगे और हमारे बैटर में सब्जियां काफी ज्यादा होंगी बैटर के मुकाबले, जिससे जो ये उपमा ऑमलेट है बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट इस बैटर में हमें डालना है थोड़ा सा धनिया, हल्दी और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट ना डालते हुए आप हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा बड़े टुकड़े ना हो, वरना बीच में आएंगे और एकदम से तीखा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पेस्ट बनाएं या तो एकदम बारीक चॉप करें। इस समय आपको लग रहा होगा कि बैटर के मुकाबले सब्जियां ज्यादा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बढ़िया इन सब्जियों से ये बनेगा। बस इसे हमें पकाने से पहले एक चुटकी सोडा डालना है, सोडा नहीं तो आप इनो भी डाल सकते हैं, 1 से 2 चुटकी। बस मिक्स करें और ये हमारा मिक्सचर जो है तैयार है। इसे हम बनाएंगे एक पैन में। तो यहाँ पर मेरे पास लगभग 6 से 6.5 इंच के डायमीटर वाला पैन है, मतलब इसका जो बेस है ये इतना है। इसमें तेल या फिर घी लगाएं और आधे बैटर को यहाँ पर मैं स्प्रेड कर रही हूँ। ऐसे 2 हम ऑमलेट यहाँ पर बना सकते हैं। साइड में तेल डालें और शुरुआत में ढककर पकाएं ताकि जो सब्जियां हैं वो पक जाएं। जब एक साइड आपको ऐसी पूरी ड्राई नजर आएगी तो इसे एक प्लेट में निकालें और फिर एक और प्लेट रख के उल्टा करें। इस वेजिटेबल ऑमलेट में काफी सारी सब्जियां हैं तो अगर आप पलटे से या स्पैचुला से इसे पलटने जाएंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए प्लेट में ट्रांसफर करके ही पलटें। थोड़ा सा तेल डालें, अच्छे से अब इसे गोल्डन होने दें और उसके बाद इसी तरह से आप सेकेंड वाला भी बना लें। ये ऑमलेट बनाने में आसान है और इसकी खासियत यह है कि सब्जियां ज्यादा है इसलिए टेस्टी लगता है। इस बहाने सब्जियां भी आप ज्यादा खाएंगे और आपको मजा भी आ जाएगा अपने नाश्ते में एक चेंज ऐड करके। तो मेरा ये सजेशन है कि इस रेसिपी को पूरी तरह फॉलो करें और सब्जियां ज्यादा डालें, वरना सिर्फ सूजी और बेसन का ज्यादा स्वाद आएगा तो मजा नहीं आएगा, सब्जियां ज्यादा होना जरूरी है। अच्छे से जब ये पक जाए, कहीं कहीं कुरकुरा हो जाए, इसे निकालें और कट करके सर्व करें। पिज्जा की तरह सर्व करें या फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं। काफी अच्छा मॉइस्ट ये लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि सूखा बना है और बहुत ही स्वादिष्ट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक मजेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।